क्रिकेट जगत से जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए आईपीएल से जुड़ी हर खबर देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया ये रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज आईपीएल के मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से हुआ, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने मुंबई के सामने 163 रनों का एक बड़ा लक्ष्य रखा। दिल्ली की तरफ से सबसे ज्यादा रन शिखर धवन ने बनाए। शिखर धवन ने इस मुकाबले में 52 गेंदों पर 69 रनों की लाजवाब पारी खेली। वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी उनका बखूबी साथ निभाते हुए 33 गेंदों में 42 रन बनाए, लेकिन लगातार अंतराल से विकेट गिरने की वजह से अंतिम ओवर में दिल्ली के बल्लेबाज ज्यादा स्कोर स्कोरबोर्ड पर नहीं लगा पाए, जिसके चलते 20 ओवर में दिल्ली की टीम 162 रन ही बना पाई। मुंबई की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट इस मुकाबले में कृणाल पांड्या ने लिए और वहीं ट्रेंट बोल्ट ने भी एक विकेट छटका। इस मुकाबले में मुंबई के गेंदबाजों ने ज्यादा विकेट नहीं लिए, लेकिन तेजी से रन बनाने का मौका भी नहीं दिया, जिसके चलते दिल्ली की टीम ज्यादा बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। उसके बाद दिल्ली से मिले 163 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई की टीम को पहला छटका रोहित शर्मा के रूप में लगा। रोहित शर्मा 5वें ओवर में अक्षर पटेल के शिकार बने। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रोहित शर्मा का ये 150वां आईपीएल का मुकाबला था, लेकिन रोहित शर्मा स्पेशल मुकाबले में अपने बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन उनके पार्टनर क्विंटन डिकॉक ने मैदान पर गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई, जिसके चलते मुंबई की टीम ने पावर प्ले में 44 रन बनाए। उसके बाद क्विंटन डिकॉक और सूर्य कुमार यादव ने मुंबई की पारी को आगे बढ़ाया। डिकॉक ने मात्र 36 गेंदों में 53 रनों की लाजवाब पारी खेली, लेकिन उन्हें अश्विन ने पारी के 10वें ओवर में आउट किया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने विकेट गिरने के बावजूद अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखी। अंत में मुंबई को जीत के लिए 42 गेंदों में 61 रनों की आवश्यकता थी। 200 सूर्य कुमार यादव ने भी इस मुकाबले में बेहतरीन अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 32 गेंदों में 53 रनों की पारी खेली, लेकिन 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर रबाडा ने उन्हें श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवाया और उसके अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या को भी स्टोइनेस ने कैच आउट करके मुंबई को मुश्किल में डाल दिया। लेकिन ईशान किशन की बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते मुंबई को अब जीत के लिए 7 की रन रेट से रनों की आवश्यकता थी, लेकिन ये रोमांचक मुकाबला अंत तक चला। तो दोस्तों, आपके मुताबिक इस मुकाबले का असली टर्निंग पॉइंट कौन सा था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हमारी सभी वीडियोस पहुंचती रहे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।